खड़े होने की बात कैसे कर रहे हैं आप? हम कब अपने बात से पीछे हटे? मैंने यही तो कहा, हम हमेशा अपने मौकफ को जो है थाम के रहे। हमने सौदाबाजी नहीं की, हमने लोगों को धोखा नहीं दिया। आप याद करिए ना, जब यहाँ बंदूक शुरू हो रहा था, उस दौर में बहुत सारे बह गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो हवा के रुख के साथ जो हैं अपना रुख बदल गए। उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला साहब दरगाह शरीफ हजरतगढ़ में खड़े हुए, उन्होंने कहा कश्मीर के नौजवानों, अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन बंदूक मत लाओ, इस बंदूक से सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, कब्रिस्तान भरे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। और बिल्कुल वही हुआ, हम पीछे नहीं हटे ना, हम लोगों को उस वक्त भी हम सही बात कह रहे थे, आज भी हम सही बात कह रहे हैं। जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, हम उन वादों पर कायम रहेंगे। क्योंकि अबोशन के इल्जाम है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका अलायंस आरएसएस से डायरेक्ट है, तो ये हमारा हकीकत है। जिन पार्टियों के हाथ में सेब है, बैट है, कलम दवात है, उनके लिए तो बीजेपी वोट मांग रही है। सुरन कोर्ट में आपके वो सीनियर लीडर मुश्ताक बुखारी साहब, वो महबूबा मुफ्ती के लिए वोट मांग रहे हैं। मेंडर में आपके मुर्तजा खान साहब, उनका बयान है, वो कहते हैं मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, लेकिन क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है तो हम वोट पीडीपी को डालेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब, वो कहते हैं मुझे मौका मिलेगा तो मैं एनडीए में शामिल हो जाऊंगा। एनडीए का रिश्ता किसके साथ है? बीजेपी के साथ। सजाद लोन साहब खुल्लम खुल्ला कुपवारा में अब तकरीर में कहते हैं मैं बीजेपी हूँ, इसमें क्या खराबी है? तो अच्छी बात है ना, हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि ये बीजेपी का वोटिंग के मशीन पर निशान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी बराबर इन कश्मीर की 3 सीटों के इलेक्शन पे बराबर के शरीक है। उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हैं दूसरे लिबास में लगा के मैदान में उतारे हैं। दफा 370 पर एक बार फिर वही मांगे जा रहे हैं। आज अपने खिताब में कहा उमर साहब क्यों गए बारामूला सीट में लड़ने के? किसने कहा? वाहिद रहमान फरहान ने। हाँ, अगर उमर साहब को दम है वो क्यों, उससे क्यों नहीं लड़ा? मुझे इससे पहले, अब मुसीबत यह है ना, मेरे दम को लड़काने वाले मैदान में बहुत निकलते हैं। काश वहीद परा ने ये बात महीने दो महीने पहले की होती, शायद मैं यहाँ से लड़ता। लेकिन वहीद परा से पहले ये चैलेंज मुझे सजाद लोन ने भी किया था। सजाद लोन ने कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला में दम है वो क्यों ना बारामूला कुपवारा से मैदान में उतरे। मैं उतरा और कल आपने उसका नतीजा देखा। आज